हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम वेरिकोज वेन्स के डायग्नोसिस डॉक्टर से कैसे करते हैं। अक्सर हम ये बताते हैं कि वेरिकोज वेन्स में जो वैल्व होता है डीप वेन और सुपरफिशियल वेन के बीच में, वो वीक हो जाता है, जिससे ब्लड हार्ट की तरफ ना जाने की बजाय नीचे पैरों में जाने लगता है। अब हम उसको चेक कैसे करते हैं, देखिए ये छोटा सा एक क्लिप है अल्ट्रासाउंड का, जिसमें हम कलर फ्लो चेक कर रहे हैं। अब ये आप कलर देख रहे हैं, ये डीप वेन से और सुपरफिशियल वेन का कनेक्शन है। जब हम पेशेंट को नॉर्मल स्टेट में देख रहे हैं तो देखिए ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब है कि ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है। अब हम पेशेंट को पेट में प्रेशर लगाने के लिए कहते हैं। प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर जब भी हम पेट फुलाते हैं या खांसी करते हैं या वजन उठाते हैं तो पेट में प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स उभर के आती है। तो यही हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो पेट फुला के प्रेशर लगाए, नीचे की तरफ प्रेशर लगाए। जिससे आप देखिए इस पेशेंट में क्या हुआ है, इस पेशेंट में जैसे ही वो प्रेशर लगा रहा है, ब्लड ये कलर रेड हो जा रहा है। रेड का मतलब क्या है, नाउ ब्लड हैज स्टार्टेड फ्लोइंग हार्ट की तरफ से उल्टी तरफ जा रहा है, लेग में जा रहा है। इसका मतलब कि वाल्व जो है वो खराब है, लीक कर रहा है। मतलब पेशेंट का जो वॉल्व होता है, जो लेग ऊपर होता है डीप और सुपरफिशियल के वेन के बीच में, वो अलाउ नहीं करता कि ब्लड उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करे। बट इस पेशेंट में ब्लड हार्ट से उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, टुवर्ड्स द लेग, नीचे लेग की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसको अंदर से प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स, इसीलिए हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको नसें चमक रही हैं, कुछ पैरों में बहुत ज्यादा फूली हुई हो, तो वो ऑब्वियसली क्लिनिकली पता लग जाता है कि वेरिकोज वेन्स है। बट अगर सिंपल थोड़ी बहुत लग रही है तो हम ये डॉपलर टेस्ट जरूर करके देखते हैं कि अगर अंदर से प्रॉब्लम है वाल्व में, तभी हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं।